हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आप लोगों की साइकोलॉजी के वाइवा की सीरीज चल रही है और आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा वर्ड एसोसिएशन। ये वाला प्रैक्टिकल आपने किया है, इसे फ्री एसोसिएशन भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके अलावा मैंने दो प्रैक्टिकल्स की वीडियो बनाई थी जिनको आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो, उसमें मैंने प्रैक्टिकल को अच्छे से समझाया है जो कि क्वेश्चंस आपके वाइवा में आ सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं वीडियोस में बताती हूँ अगर आप सभी को वो चीज़ें क्लियर होती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो पे रिस्पॉन्स कर दिया करिए, क्योंकि रिस्पॉन्सेज नहीं होते हैं तो मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप लोगों को समझ में आई भी है कि नहीं आई है, पसंद आई है कि नहीं आई है, या आपको इसी से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए या कोई अदर वीडियोज़ चाहिए। तो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज बहुत मायने रखते हैं, वरना तो ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में तीर चला रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एज सच मैं कोई क्वेश्चंस लिख करके इसमें नहीं बैठी हुई हूँ, बस मैं इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड वो पॉइंट्स और टॉपिक्स बताऊंगी जिससे कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी साथ में मैं बताते चलूँगी। स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा था कि ये प्रैक्टिकल हमारा वर्ड एसोसिएशन का है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एसोसिएशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। मे बी आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि क्या होता है एसोसिएशन या आप क्या समझते हो एसोसिएशन से, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। एसोसिएशन इन साइकोलॉजी रिफर्स टू मेंटल कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, इवेंट्स और मेंटल स्टेट्स दैट यूजुअली स्टेम फ्रॉम स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस। ये सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो अ कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, ठीक है, दो आइटम्स के बीच में कनेक्शन और उसका रिलेशनशिप ही हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है। फिर वो जो टू आइटम्स हैं वो आपके आइडियाज़ भी हो सकते हैं, इवेंट्स भी हो सकते हैं, फीलिंग कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ एसोसिएशन आपको पता होने चाहिए। टू टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस होते हैं, एक आपका फ्री एसोसिएशन होता है, एक आपका कंट्रोल्ड एसोसिएशन होता है। फ्री एसोसिएशन जिसका प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कंट्रोल्ड एसोसिएशन। यहाँ पे मैं पॉइंट्स को ऐसे ही मेंशन करती हूँ इजी लैंग्वेज में, जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सको और आपको बाद में समझ में आ जाए, तो आप इनको साथ में नोट कर सकते हैं। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, पर्सन रियलाइजेज एंड से वट एवर कम्स टू माइंड, ही मस्ट स्पीक आउट द फर्स्ट वर्ड रिकॉल्ड। फ्री एसोसिएशन में पर्सन के सामने जैसे ही कोई वर्ड आता है तो उसके दिमाग में उस वर्ड से रिलेटेड जो भी आए उस चीज़ को बोलना होता है। और अगर हम कंट्रोल्ड एसोसिएशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट इज सेट और प्रिपेयर टू मेक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो प्री प्रिपेयर्ड होता है, मतलब उसको पहले से ही पता होता है कि उसको रिस्पॉन्स क्या करना है। लेकिन फ्री एसोसिएशन में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, उसको ऐसा कुछ पहले से नहीं पता होता है कि क्या वर्ड आने वाला है या उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर है कि नहीं है, ठीक है, बस रैंडमली जो भी उसके माइंड में उस वर्ड को सुन के आया तो उसको वही बोलना है। तो ये पिक्चर आपको फ्री एसोसिएशन को अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। यहाँ पे ये दो भाई साहब हैं और ये भाई साहब बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू से अ वर्ड एंड यू से द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इनटू योर माइंड। इन्होंने बोला इन भाई साहब से कि मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड बोलने जा रहा हूँ और तुम उस वर्ड को सुनते ही जो भी तुम्हारे माइंड में आएगा तुम वो वर्ड बोलना, ठीक है। तो यही होता है फ्री एसोसिएशन, कि आप प्री प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, आपके सामने ऐसे रैंडम वर्ड आता है और आपको उसका रिस्पॉन्स करना होता है। लाइक अगर ये भाई साहब बोलते टी और इन्होंने तुरंत इनको रिस्पॉन्स में कॉफ़ी बोल दिया, ठीक है, तो इनके माइंड में टी को सुनते तुरंत क्या आया, कॉफ़ी आया। आई थिंक अब फ्री एसोसिएशन को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ एसोसिएशन की। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक लॉ कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनको फॉर्मुलेट किसने किया था। तो जो आपके बेसिक लॉ ऑफ एसोसिएशन है वो 3 हैं। तो ये बेसिक लॉज जो हैं वो फॉर्मुलेट किए गए थे एरिस्टोटल के द्वारा अराउंड 300 BC में। इसके अलावा आपके और भी लॉज हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वो बेसिक लॉज की बात की गई है, और वो आपके 3 हैं, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कंट्रास्ट।
अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो लॉ ऑफ कॉन्टिग्युटी में जो आइटम्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, मतलब जो आइटम्स हैं या जो वर्ड्स हैं वो आपस में किसी न किसी तरह से लिंक्ड हैं, जिससे कि हम एक वर्ड को जैसे ही सुनते हैं दूसरा हमारे दिमाग में फटाक से आ जाता है। जैसे कि अगर किसी ने बोला टेबल तो हमारे दिमाग में फट से चेयर आ जाएगा, या टेबल बोला गया और हमारे माइंड में वुड आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लिंक्ड है, मतलब टेबल के साथ में चेयर हमने हमेशा से देखी है, हमारे माइंड में ये सेट है कि टेबल के साथ जो लिंक है वो चेयर का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में वो एलिमेंट्स और आइटम्स आते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। लास्ट है लॉ ऑफ कंट्रास्ट। इसमें जो आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं, जैसे कि हॉट का कोल्ड, समर का विंटर, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। तो हर प्रैक्टिकल की तरह जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि टेस्ट और एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो प्रैक्टिकल है ये क्या है, वर्ड एसोसिएशन एक टेस्ट है और एक एक्सपेरिमेंट है। तो वर्ड एसोसिएशन जो प्रैक्टिकल है वो आपका एक एक्सपेरिमेंट है। और एक और बात, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसमें आपको अपने सब्जेक्ट से इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखवानी होती है, टेस्ट में नहीं लिखवानी होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है, तो इसका नेम है वर्ड एसोसिएशन केंट रोशनॉफ, और केंट रोशनॉफ जो है वो इसके डेवलपर हैं। तो यहाँ पे अगर पूछ लेते हैं कि इसके डेवलपर कौन है तो आप वहाँ पे केंट रोशनॉफ बताएंगे। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द लॉ ऑफ एसोसिएशन और टू नो द थॉट्स एंड स्टडी द माइंड ऑफ सब्जेक्ट। मटेरियल, ये मटेरियल रिक्वायर्ड भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रैक्टिकल में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ वर्ड एसोसिएशन, जो केंट रोशनॉफ की 100 वर्ड्स की लिस्ट है वो होनी चाहिए, स्टॉप वॉच एंड पेन और पेपर। स्टॉप वॉच क्यों, वो मैं अभी आगे बताऊँगी। तो ये आ गई आप लोगों के सामने केंट रोशनॉफ की वर्ड एसोसिएशन लिस्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इसमें टोटल 100 वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रंट पार्ट ही दिख रहा है जिसमें आपको 50 वर्ड्स ही दिखेंगे। तो वाइवा के लिए जितना मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ उतने के लिए इतना सफिशियंट है। आई थिंक अभी विजिबल है सब, ओके। तो एक बार बात कर लेते हैं वर्ड एसोसिएशन की। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें वर्ड्स को कनेक्ट करके याद करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोसेस होता है लर्निंग का, कि कुछ सेकंड में आप कैसे वर्ड्स को जोड़ते हैं और उनको याद करते हैं। हमारी हैबिट ऐसी होती है कि जब हमें कोई भी चीज़ याद नहीं होती है तो हम उसको रिलेट करते हैं किसी चीज़ से, और फिर वो हमें क्या होती है, जल्दी याद हो जाती है। या कोई वोकैब है, कोई ऐसा वर्ड है जो हमें याद नहीं हो रहा है, कभी कभी किसी किसी का नाम ऐसा होता है जो हमें याद नहीं हो पाता या हम उसको नहीं ले पाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको रिलेट कर देते हैं। या हम अपने पेरेंट्स को कोई चीज़ सिखा रहते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, मोबाइल में, तो उनको वो चीज़ नहीं आती है तो हम क्या करते हैं उसको किसी चीज़ से ऐसे रिलेट कर देते हैं जिससे कि वो चीज़ उनको फटाक से याद आ जाती है। जब भी वो चीज़ वो देखते हैं तो उनको यही रिलेट, उनको यही समझ में आ जाता है कि इसको मैंने ऐसे रिलेट किया था और मुझे ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ करनी है। तो इस प्रैक्टिकल में जो आपके 100 वर्ड्स हैं इसमें आपका सिर्फ सेकेंड्स का गेम है। तो एक बार हम इस लिस्ट की हेडिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका नंबर है, सीरियल नंबर, स्टिमुलस वर्ड, रिएक्शन टाइम, सिमिलर इधर भी है। तो सीरियल नंबर आपको पता है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। स्टिमुलस वर्ड, ये वो वर्ड है जो एक्सपेरिमेंटर अपने सब्जेक्ट के सामने बोलेगा या जो एज अ स्टिमुलस वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे टेबल बोला गया है एज अ स्टिमुलस वर्ड। रिएक्शन वर्ड, रिएक्शन वर्ड जो आपका सब्जेक्ट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स में जो आपको वर्ड मिला है टेबल सुनते ही, जो उसके दिमाग में आया जो वर्ड और उसने बोल दिया, वही हमारा रिएक्शन वर्ड कहलाएगा। जैसे कि जैसे ही एक्सपेरिमेंटर ने अपने सब्जेक्ट के सामने टेबल बोला तो उसने फटाक से वुड बोल दिया,
ठीक है, तो वो वुड जो होगा वो रिएक्शन वर्ड होगा। फिर है रिएक्शन टाइम, कितना टाइम लगा। ठीक है, तो जो हमने स्टॉप वॉच की बात की थी, स्टॉप वॉच की ज़रूरत हमें इसी में पड़ेगी कि हमारे सब्जेक्ट को उसका आंसर देने में कितना टाइम लगा, तो वो हम वर्ड के साथ में नोट करते जाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, हमें फटाक से दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ जाना रहता है, क्योंकि फ्री एसोसिएशन में हमने यही देखा है कि हमें तुरंत आंसर करना होता है जो भी हमारे माइंड में आए, इतना हमें सोचने का टाइम नहीं होता है। इसके साथ में आपको एक और चीज़ नोट करते हुए चलनी होती है, जिसका कॉलम यहाँ पे नहीं है, वो होता है रीज़न ऑफ द रिस्पॉन्स। मतलब बाद में आपको अपने सब्जेक्ट से उस रिस्पॉन्स का रीज़न पूछना होता है कि मतलब क्या ऐसा था कि तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आया, मतलब क्या रीज़न था जिसकी वजह से तुमने ये रिस्पॉन्स दिया। तो जैसे टेबल का उसने वुड रिस्पॉन्स दिया, तो वो अपना रीज़न दे सकता है कि टेबल जो होती है वो वुड से बनी होती है, या उसके घर में जो भी टेबल है वो वुड से बनी हुई है, तो इस वजह से उसने टेबल के साथ में वुड का रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, तो आई थिंक अभी ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी इसके बाद जो करना होता है वो आपको इसमें से देखना होता है कौन से वर्ड्स आपके लॉ ऑफ कॉन्टिग्युटी में आ गए, फिर कौन से वर्ड सिमिलैरिटी में आए, कौन से वर्ड कंट्रास्ट में आए, और हमें सिंपली बस उन वर्ड्स को उठा करके, कॉन्टिग्युटी वाले वर्ड्स को उठा करके कॉन्टिग्युटी वाले टेबल में रखना होता है, सिमिलैरिटी वाले वर्ड्स को उठा के सिमिलैरिटी के टेबल में रखना होता है, कंट्रास्ट वाले वर्ड को उठा के कंट्रास्ट वाले टेबल में रखना होता है, उसमें जो भी टाइम लगा है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपने करी हुई हैं और आपको पता है, और उससे आपके वाइवा में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपके जो वाइवा में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें बता दी हैं जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को शेयर करने से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे कि अगर उसके अलावा कोई और क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको आंसर कर सको।